हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टैक्स ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं आज आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें कि अभी अभी रेलवे ने ऑफिशियली अपडेट डाल दिया है कि रेलवे एलपी परीक्षा सीबीटी 2 का रिजल्ट कैंसिल्ड हो गया है, जिसकी और सीबीटी 3 की जो डेट देने वाले थे आज 11 तारीख में, उसी के रिगार्डिंग आज एक नोटिस आया है और उसमें दिया गया है कि एलपी सीबीटी 2 का रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए अपन चलते हैं वेबसाइट की ओर। यह ऑफिशियली वेबसाइट है रेलवे की, जिसपे बताया गया आज की डेट में 11/4/2019 को एक लिंक दिया गया, जहां से हम डाउनलोड करते हैं और पता करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार इस नोटिस में दिया क्या गया है, क्यों कैंसिल किया गया है रिजल्ट। ऐसी सभी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं आज के नोटिस की ओर। इसमें क्या बताया गया, इस नोटिस में यानी क्लियरली बोला गया है रेलवे के द्वारा कि सेकंड स्टेज सीबीटी विद द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑफ अपीयरिंग सीबीटी टेस्ट वाज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी 5/4/2019, यानी 5/4/2019 को रिजल्ट अपडेट किया था। उसी की जो ट्रांसपेरेंसी देखते हुए एवरी स्टेज रिक्रूटमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी व्यूइंग द क्वेश्चन पेपर विद द रिस्पांस ऑफ द फाइनल की। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट आरआरबी रिसीव्ड द सर्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट इज प्रिटेटिंग टू आंसर्स की एंड एवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल स्कोर एंड नॉर्मलाइजेशन स्कोर इट्स ईटीसी आरआरबी सी सर्टेन दीज रिप्रेजेंटेशन हैव नोटेड द प्राइम अपेसी देयर अपीयर्स टू बी एन एरर टू व्यू। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी आरआरबी के द्वारा रिजल्ट किया गया था उसमें क्या जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है और जो मार्क्स हुए हैं और जो भी स्कोर हुआ है कैंडिडेट का, उन सब के रिगार्डिंग काफ़ी सारे ट्वीट रेलवे के पास गए थे। उन सब को देखते हुए आरआरबी ने एक नया रिजल्ट देने के बारे में आगे बताया गया है। इसमें आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट आरआरबी रिसीव्ड सर्टेन, ये सब हो गया, इसके अकॉर्डिंग टू हैव डिसाइड वंस अगेन चेक द फाइनल कीज एंड द एवोल्यूशन इंश्योर द फाइनल टू द कैंडिडेट्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन द कंप्लीट ऑफ द रिव्यू आरआरबी विल बी पब्लिश फाइनल की ऑफ दिस फ्यू क्वेश्चन अलोंग द रिवाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, सभी का रिजल्ट रिवाइज आएगा, ना कि ये होगा कि किसी एक जो पास हो गए वो पास है, जो पास हो गए वो फेल भी हो सकते हैं, जो फेल है वो पास भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरा रिजल्ट आपको रिवाइज रिजल्ट आएगा, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन मार्क को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इन सबको देखते हुए जो कि अभी और सीबीटी 2 का जो डेट दिया गया था 16/4 उनको पोस्टपोन किया गया और द रिवाइज डेट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली, यानी कि जो रिजल्ट आने के बाद आपको डेट दिया जाएगा, यानी अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा इन सब प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है, इन व्यू ऑफ द अबव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शेड्यूल 16/4 पोस्टपोन कर दिया गया और कैंडिडेट दे आर हेरबिली एश्योर्ड दे आरआरबी वैल्यूज द इनपुट फीडबैक फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड सेल एंश्योर कंप्लीट फेयरनेस दे। तो इसमें यह बताया गया है कि सब फेयरनेस करने के लिए सब किया गया है, आखिर ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, अगर इनको यही करना था तो टेस्ट पहले ही कर देते, आखिर बार 3-3 बार क्यों रिजल्ट लाया जाता है, इन सब का क्योरी का एक वीडियो लेके आएंगे हम सब और हम सब डिस्कशन करेंगे आखिरकार हुआ क्यों है, इस सब का पीछे क्या हाथ है। इस बार हर बार 3 बार रिजल्ट आएगा क्या, इन्होंने को एग्जाम सीबीटी 3 देने के बाद ये कहाँ से नौबत आ गई रिजल्ट देने की, और इनको अगर ऐसा ही करना था तो पहले रिजल्ट को सोच समझ के एक बार देना चाहिए, अगर पास हो गए उन कैंडिडेट का क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में घूम रहे होंगे। तो भी हाल ही में सबसे बड़ी खबर है ये आप लोगों के लिए कि रिवाइज रिजल्ट जल्द ही आने वाला है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियल नोटिस मिल गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।